हेलो स्टूडेंट्स, मैं पार्वती शर्मा अपने इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 का हिंदी सब्जेक्ट का प्रथम पाठ ध्वनि पढ़ा। ध्वनि कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। पिछले वीडियो में हमने कवि परिचय और कविता का एक पैराग्राफ का भावार्थ किया। अब आगे की कविता हम आज इस वीडियो में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। स्टूडेंट्स, हरे हरे का अर्थ होता है हरे हरे, पात में पत्ते, डालियां में सबको मालूम है डालियां, कलियां मैंने कलियां, और कोमल में से कोमल, और गात का अर्थ होता है स्टूडेंट शरीर, स्वप्न मने सपना, मृदुल मने मधुर या कोमल, कर मने हाथ, निद्रित मने सोई हुई कलियां। ठीक है, कलियां मीन्स कलियां और निद्रित मने सोई हुई, प्रत्युष मने सवेरा। कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन में युवावस्था रूपी वसंत का आगमन हुआ है और मुझे इसका आनंद लेना है और मुझे अपने जीवन में अभी बहुत कुछ करना है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कह रहा है कि जो पेड़ों के ये कोमल शरीर है, पेड़ों का कोमल शरीर है, उनके जो हरे हरे पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, उन सब में, और जो अध खिली हुई कलियां हैं, यानी जो कलियां हैं जो अभी तक खिली नहीं, अलसाई हुई कलियां हैं, जो आलस्य से भरपूर है, उन कलियों पर मैं अपना कोमल हाथ फेरूंगा और उन्हें जागृत करूंगा। यानी अलसाई हुई कलियां स्टूडेंट्स किसका प्रतीक है? युवा पीढ़ी का, जो आलस्य से भरपूर है। कवि उन्हें अपने कोमल हाथ के द्वारा उन्हें जगाना चाहता है और अपने कोमल हाथ उन पर फिराकर उनमें एक नए सवेरे का संचार करना चाहता है, नई जागृति डालना देना चाहता है, ताकि वो आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस प्रकार कवि जो अलसाई हुई कलियां हैं उन पे अपने कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है या विकसित करना चाहता है। यानी जो युवा पीढ़ी है उन्हें अपने कोमल हाथों पर उन पर अपने कोमल हाथ फिराकर उन्हें जगाकर उनके जीवन में एक नई सुबह का संचार करना चाहता है। स्टूडेंट्स आगे कवि कह रहे हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं। तंद्रालस का अर्थ होता है स्टूडेंट आलस्य और लालसा का मतलब इच्छा। कवि कहता है कि प्रत्येक पुष्प की जो आलस्य है और जो उनकी जो इच्छाएं हैं, यानी सोने की जो उनमें इच्छा है, जो हर एक पुष्प जो आलस्य से भरपूर है और जो उनमें जो सोने की इच्छा है, उसको मैं खींच लूंगा, यानी उनके आलस्य को क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा, और अपने नवजीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं, और उनके आलस्य को दूर कर अपने जीवन का जो अमृत है वो सहज मैंने खुशी पूर्वक उन्हें मैं सींच दूंगा और उनके आलस्य को क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, दूर कर दूंगा। अर्थात स्टूडेंट्स जो आलसी कलियां या नवयुवक, यानी आलसी कवि कलियां किसका प्रतीक है? देश के नव युवक यानी युवा पीढ़ी का। यानी जो आलसी कलियां या नवयुवक है उनके जीवन को मैं अपने नव जीवन के अमृत से सहर्ष क्या कर दूंगा, सींच दूंगा, मैं उनके आलस्य को दूर करूंगा। अर्थात आलस्य युक्त युवा पीढ़ी को सकारात्मकता से भर दूंगा, ताकि वे आलस्य को त्याग कर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़े और एक सकारात्मक समाज का क्या करे, निर्माण करे। यानी हर स्तर पर, हर हालत में कवि देश के युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहता है, उनके आलस्य को दूर भगाना चाहता है और उन्हें आगे बढ़ने की क्या देता है, प्रेरणा देता है। स्टूडेंट्स आगे कवि कहता है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा। कवि कहता है कि मैं उन्हें सफलता के द्वार दिखा दूंगा, यानी द्वार दिखा दूंगा मैं फिर उनको, यानी जो युवा पीढ़ी है उन्हें मैं सफलता के द्वार दिखा दूंगा। ऐसे दरवाजे जो क्या है, अनंत को खुलते हैं, जहां से वे भविष्य में सफलता की सीढ़ी
चढ़ते हुए अपने लक्ष्य को क्या कर सके स्टूडेंट्स, प्राप्त कर सके, यानी जो युवा पीढ़ी है उनमें उनको मैं सफलता के द्वार दिखाऊंगा, और वे द्वार जो अनंत को खुलते हैं और भविष्य में आगे जाकर वो अपनी सफलता की सीढ़ी को पे चढ़ सके, यानी अपनी सफलता प्राप्त कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उनके जीवन को सफल बनाने का प्रयास करूंगा। अभी मेरा अंत नहीं होगा जब तक मैं समाज को सही रास्ता नहीं दिखा देता, कवि कहता है, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। इस प्रकार स्टूडेंट्स कवि कहता है कि मेरे जीवन में वसंत ऋतु या खुशियों का आगमन हुआ है, मेरे जीवन में युवावस्था आई है, मुझे देश और समाज के लिए बहुत कुछ करना है, और भावी जो युवा पीढ़ी है उन्हें जागृत करना है, उन्हें आलस्य को दूर करना है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है। इसीलिए मुझे अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, इसीलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता पढ़ी। ध्वनि माने आवाज, ये कवि के दिल की आवाज है। इसमें स्टूडेंट्स कुछ अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे अभी अभी, ये कौन सा अलंकार है स्टूडेंट्स? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसमें क्या होता है, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होती है, या एक शब्द दो बार होता है, जैसे अभी अभी, यानी एक शब्द दो बार हुआ इसी आया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे आगे एक जगह आया है पुष्प पुष्प, ये भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसमें क्या है, दे वर्ण की आवृत्ति हुई है, द्वार में दे, दिखा में दे, दूंगा में दे, तो दे वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार दे वर्ण आया है, इसीलिए कौन सा अलंकार है, ये अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, नवजीवन का अमृत, यानी ये रूपक अलंकार है, यानी नवजीवन रूपी अमृत, इसलिए कौन सा अलंकार है, ये रूपक अलंकार। एक जगह है स्टूडेंट्स हरे हरे, तो हरे 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 दो बार आया है, तो ये कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस प्रकार इस कविता में कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट्स अगले वीडियो क्लास में हम पाठ ध्वनि के क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ